जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आप लोग कमेंट के जरिए बताते नहीं कि आप लोग कैसे हैं। हमें बड़ी चिंताएं होती हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हैं, आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज है सैटरडे और आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर सैटरडे एक नई पॉडकास्ट स्टोरी लेकर आते हैं, जिसमें माता रानी की कुछ चमत्कारी कहानी आप सब तक साझा करते हैं, जो आप हमें भेजते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई भी माता रानी से संबंधित आपकी कोई कहानी है, आप चाहते हैं कि और लोगों तक वो कहानी पहुंचे, लोग उससे इंस्पायर हों, तो अपनी कहानी हमें ज़रूर भेजिएगा। आप अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@gmail.com, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी आकर अपनी कहानी भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रेन राइडर के नाम से अवेलेबल है। आशा करूंगा कि आप सभी जल्दी से जल्दी अपनी कहानी हम तक साझा करेंगे। आज की कहानी हम तक साझा किया है जितेंद्र जी ने, जो कि पंजाब गुरदासपुर से हैं, और अपनी कहानी में इन्होंने बताया है कि कैसे माँ भगवती ने इनकी संपूर्ण मदद की है यात्रा में। दरअसल माता रानी की अनुकम कृपा से ये माता रानी के दरबार काफ़ी सालों से जाते रहते थे, और माँ भगवती का अनुकम जो है इनके ऊपर कृपा था, इन पर काफ़ी ज़्यादा माता रानी का आशीर्वाद था, और इनको भी माता रानी के ऊपर पूरा भरोसा था। माता रानी इन्हें जैसे जैसे दरबार बुलाती रहती थी, वैसे वैसे ये दरबार पहुँच कर माँ भगवती के दर्शन प्राप्त करते रहते थे। अब देखिए, सैटरडे पॉडकास्ट अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि हाँ इसमें आपको कुछ नया जानने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है, नई कहानियाँ आप तक पहुँचती हैं, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर से कर दिया करिए। इससे होगा ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कहानी लोगों तक पहुँचेगी, और लोग इंस्पायर होकर अपनी कहानी भी हम तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे, जिससे सैटरडे पॉडकास्ट कंटिन्यू बेसिस पर आता रहेगा। होता यूँ है कि हमारे पास स्टोरी होती नहीं है, और इसीलिए सैटरडे पॉडकास्ट कंटिन्यू नहीं आ पाता है, लेकिन आशा ज़रूर करेंगे कि आप सब लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे। अब देखिए, जितेंद्र जी ने बहुत सारी चीज़ें हमें शेयर की हैं, और आपको पता ही है कि पॉडकास्ट बड़ा टफ होता है, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज में समझ के फिर आप तक शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से और आप सबके प्यार से हम इसे अपने ट्रेन राइडर पर लेकर आते रहते हैं। जितेंद्र जी बताते हैं कि इनकी अलग ही ज़्यादा माता रानी के प्रति आस्था होती है। एक बार ऐसा होता है कि माँ भगवती के दरबार जाते हैं और आराम से कटरा चौक पहुँचते हैं, उसके बाद वो यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते जो है अलग अलग पड़ाव पर पहुँचते हुए माँ भगवती के दरबार पहुँच जाते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जाते हैं, और जब भैरव बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो इनकी वापसी होती है जो है कटरा के लिए। लगभग ये जो है माता रानी के दरबार के दर्शन करने के बाद हिमकोटी मार्ग से अर्धकुंवारी की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, और ऐसे में होता यूँ है कि इनके पास ना जो एक पर्स होता है, अब वो पर्स इनके साथ होता है, फिर ये अर्धकुंवारी तक आते हैं, और अर्धकुंवारी के बाद ये कटरा के लिए पुराना मार्ग लेते हैं और उससे ही नीचे प्रस्थान करते हैं। अचानक रास्ते में होता क्या है कि घोड़े वाले जाकर इनसे टकरा जाते हैं, और घोड़े वालों को टकराने की वजह से इनका जो पर्स होता है वो नीचे खाई की ओर गिर जाता है, लेकिन इन्हें दिखता नहीं है कि वो पर्स कहाँ पर गिरा, कैसे गिरा, बस इन्हें लगता है कि पर्स उधर जम कर गया है। चूँकि खाई होती है तो नीचे जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। अब वहीं पर ही यात्रा ट्रैक में बैठ के बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें दुख होता है, ये सोचते रहते हैं कि ये दरबार तो आ चुके हैं, दर्शन भी कर लिया, अब ये घर कैसे जाएंगे। घर जाने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि इनके पास तो पैसे होते नहीं हैं, और आपको पता ही है कि कई बार ऐसा भी होता है यात्रा ट्रैक में, जो लोगों के पास पैसे होते हैं वो एक तरीके से फ्रॉड करते हैं और बोलते हैं कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, लेकिन इनके साथ ये रियलिस्टिक घटना होती है। और आपको तो मैंने बताया भी था कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति करता है ना, तो वो दूसरे का भी हानि कर देता है। जिनके साथ अगर ऐसी कभी घटनाएं हो भी जाती तो लोग उन पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अभी ये वहाँ पर बैठकर बहुत तेज़ी से रो रहे होते हैं, फिर कैसे करते करते ये कटरा के चौक तक आते हैं। कटरा चौक आने के बाद इन्हें पता चलता है कि जो है इन्हें प्रसाद भी लेना है, क्योंकि घर वालों ने इन्हें बोला था कि आप जा रहे हो तो प्रसाद ज़रूर से लेके आना, लेकिन इनके पास वो पैसे होते ही नहीं है, बिल्कुल भी पैसे इनके पास नहीं होते जिससे प्रसाद परचेस कर पाए। वहाँ पे भी ये रोते रहते हैं, और इन्हें लगता है कि ये कैसे कटरा के किसी दुकानदार से कुछ मांगे, बहुत झिझकते रहते हैं लेकिन ये कुछ मांगते नहीं हैं।
इनके अंदर सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही होती है कि यात्रा ट्रैक में भी किसी से कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं मांगते। कई लोगों तो आपने देखा होगा मांग देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं किए। कटरा चौक आने के बाद ये बस देखते हैं, क्योंकि इन्हें जम्मू आना पड़ता है कटरा से, फिर उनकी ट्रेन होती है। अब ऐसे में ये बहुत सोच रहे होते हैं कि मैं बस में बैठूं कि ना बैठूं, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और मैं बस में बैठूंगा तो फिर मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, मैं कहां से पेमेंट करूंगा। रो रहे हैं और त्रिकुट पर्वत को देखकर माता रानी से अरदास लगा रहे हैं कि माता रानी, आपके दरबार में इतनी सालों से आ रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, आज आपके ही ऊपर है कि जो कुछ करना है आपके करना है, आपको ही देखना है मैं कैसे घर जाऊँ, अब आप ही सब कुछ डिसाइड करिए। आँख से आंसू बह रहे हैं और बस वो माता रानी के त्रिकुट पर्वत के दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में फिर वो बस में बैठ ही जाते हैं। बस में बैठने के बाद वो रोते रहते हैं। अचानक से एक महिला इनके पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। वो बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं सही हूँ। तो बोलती है कि नहीं, आप बताओ कि क्या हुआ है, बिना बताए आप यहाँ से नहीं जाओगे, आप बताओ कि हुआ क्या है। फिर पूरी कहानी वो उस महिला को बताते हैं। महिला उन्हें कुछ पैसे देती है, लेते ही नहीं है, बोलते नहीं मैं नहीं लूँगा। तो महिला कई बार बोलती है ले लो, ये बोलते हैं मैं लूँगा ही नहीं, मैं नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना है। महिला एक ही बात बोलती है कि आप माता रानी के दरबार आए हो ना, अगर ये पैसे नहीं लोगे तो माँ भगवती आपको दोबारा नहीं बुलाएगी, ध्यान रखना। अब इस बात को सोच के थोड़ा सा डर जाते हैं कि नहीं, ऐसा ना हो, मुझे तो दरबार आना ही आना है, मुझे दर्शन करना ही करना है। तो फिर वो महिला से पैसे ले लेते हैं। कुछ दूर चलते रहते हैं और बस में अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, रश बढ़ जाता है अचानक से। जैसे ही बस चलने वाली होती है, वो पूरे बस में खोजते हैं, उनको महिला दिखती ही नहीं है, वो महिला पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और अचानक से महिला गायब हो जाती, बस उनका रोना और बढ़ जाता है और उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि माता रानी ही थी जो किसी न किसी अलग रूप में आकर मेरी मदद कर गई। उनको पैसे मिल जाते हैं और उस पैसे से वो जम्मू से कटरा आते हैं, फिर अपने घर आते हैं और आकर माता रानी के चरणों में बैठ के बहुत रोते अपने घर में, कहते हैं माता रानी हर बार तुमने मदद की और इस बार भी तुमने मेरी मदद ज़रूर की है, इसके लिए तो मेरा विश्वास और बढ़ जा रहा है। ऐसे में इनका विश्वास और बढ़ जाता है और हमें इस कहानी से सीखने को भी यही मिलता है कि आप कितने भी अलग परिस्थिति में माता रानी के दरबार जा रहे हैं, अगर आप सच्चे मन से माँ भगवती को याद कर रहे हैं, आपकी डेडिकेशन सच्ची है, आप सच्चा विश्वास माता रानी पर रखते हैं, तो माता रानी भी आपको कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती, वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में आकर ज़रूर करती हैं। और ऐसा ही होता है, अगर आप दरबार भी जाना चाहते हैं ना, तो माता रानी किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद ज़रूर करेंगी और आपको दरबार ज़रूर बुलाएंगी। तो काफ़ी कुछ नया जानने को सीखने को मिला और जितेंद्र जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, इन्होंने अपनी कहानी हम तक साझा की, हमारे ट्रेन राइडर को इस लायक समझा कि अपनी कहानी इन्होंने भेजा। अब आप सबसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि अपनी कहानी हम तक ज़रूर भेजिएगा। अगर आपके पास कोई भी माता रानी की ऐसी चमत्कारी कहानी है जिससे और लोगों तक ये कहानी पहुँचे और लोग इंस्पायर हो जाएं और अपने मन में विश्वास को बढ़ाकर माता रानी के दरबार जाएं, हमारा तो यही कर्तव्य है, जितना हो सके उतने माता रानी के दरबार का प्रचार करते रहें, लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारियाँ लेकर आएँ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ माता रानी के दरबार सभी श्रद्धालु पहुँचे। ऐसी ही हमारी प्रार्थनाएं हैं माता रानी से और आपके लिए ऐसी हमारी वर्क रहेगी। तो चलिए फिर एक और नए हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट में मिलेंगे। अपनी कहानी ज़रूर भेजिएगा, भूलिएगा नहीं, हमें आपकी कहानी का इंतज़ार रहेगा। आशा करेंगे कि आपकी कहानी बहुत पसंद आई है तो कमेंट में जाके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, आपकी बहुत चिंता होती है, आप लोग बिल्कुल भी कमेंट में आंसर नहीं देते और यही हमें बड़ा ख़राब लगता है। तो आशा करेंगे कि आप लोग ज़रूर बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को शेयर करेंगे और फिर मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी।